कैसे हो दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के ऊपर। अभी तक देखो दोस्तों, आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को यूज़ कर लो, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए और पैसे कमाने का कोई भी मौका आप गंवा ना दो। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको रेडीमेड कॉल्स चाहिए तो आप मेरी चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ये ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करते ही आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप लोग डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट और ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पोर्टफोलियो का 50% एलोकेशन म्यूचुअल फंड के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो बनाओगे तो आपको पूरे मार्केट का एक्सपोजर मिलेगा। बल्कि आपने खुद पोर्टफोलियो बनाया होगा तो आपके पोर्टफोलियो में 10 15 20 स्टॉक्स से ज़्यादा स्टॉक्स नहीं होंगे, और आपकी प्रोफाइल को देखते हुए आपको कौन सा फंड सही रहेगा वह आपको जानना है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सजेस्ट करूँगा। अभी तक आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में नहीं जुड़े हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह का लिंक अवेलेबल है, आप जुड़ सकते हो। और ये वीडियो स्किप किए बिना देखिएगा और लास्ट का पोर्शन ठीक से देखिएगा, उसमें आपके लिए एक सरप्राइज रखा गया है। जुबिलेंट फूडवर्क का अगर मैं चार्ट का स्ट्रक्चर देखता हूँ तो ये स्टॉक्स ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। 900 रुपीज़ या स्टॉक ये हुआ करता था अक्टूबर महीने में, ठीक है, और अभी रिसेंटली इसने हाई लगाया है 450 रुपीज़ का, और अभी 507 के आसपास स्टॉक के अंदर काम हो रहा है। सो लंबे समय का चार्ट का स्ट्रक्चर देखता हूँ तो गिरावट, काफ़ी महीने से गिरावट यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी, जनवरी महीने से ही गिरावट स्टार्ट हो गई थी और अभी ये गिरावट कंटिन्यू हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट का स्ट्रक्चर देखता हूँ तो यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर ज़रूर से बना हुआ है। 550 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल साबित होने वाला है। अगर ये स्टॉक्स, हाँ, यहाँ पर जिस तरह से गिरावट हुई है और पॉज देखने को मिला हुआ है, वी कैन एक्सपेक्ट वन बाउंस, ठीक है, हम यहाँ पर एक बाउंस की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स के अंदर। सो क्या करना चाहिए जुबिलेंट फूडवर्क्स के अंदर? सो देखो, लोअर लेवल पर मैं कोई भी सजेशंस नहीं दूंगा आपको। मैं आपको ऐसा सजेशंस दूंगा कि अगर ये स्टॉक्स आने वाले दिनों में 535 रुपीज़ के ऊपर अगर सस्टेन करना चालू कर दें, उसके बाद ही किसी को भी बाइंग करना हो ना ये स्टॉक के अंदर, तो आप ज़रूर से बाय कर सकते हो। बट लोअर लेवल पे मैं आपको कोई भी सजेशंस नहीं दूंगा बाय करने के लिए। स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ 535 के ऊपर जब तक लूजिंग नहीं आता है जुबिलेंट फूडवर्क के अंदर, रिवर्सल हमें नहीं देखने को मिलेगा। और एज़ पर द हायर टाइम फ्रेम यहाँ पर क्लियर कट स्ट्रक्चर बने हुए हैं कि 540-550 के ऊपर थोड़ा अच्छा रिवर्सल हमें इस स्टॉक के अंदर आता हुआ दिखाई दे सकता है। सो कंफर्मेशन लेवल है 530-535, ठीक है। सो अभी करंट मार्केट प्राइस है 507 के आसपास। किसी को भी काम करना हो, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो थोड़ा महंगा लीजिए, लेकिन कंफर्मेशन के ऊपर लीजिए, ठीक है। और पहला जो इस स्टॉक के लिए जो हर्डल भी है वो है 570 के आसपास, ठीक है। जो 535 के ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ उसमें पहला हर्डल्स यहाँ पर 560-570 के आसपास का है। अगर वो लेवल भी ब्रेक कर दिया तो फिर खुला आकाश है स्टॉक के लिए, और फिर स्टॉक हायर लेवल हमें ज़रूर से देखने को मिलेंगे इस स्टॉक के लिए, ठीक है। सो अभी जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, कंफर्मेशन लेवल जो बता रहा हूँ एग्जैक्टली उसी तरह से किसी को भी काम करना हो तो आप ज़रूर से काम कर सकते हो। मैं जो भी एनालिसिस कर रहा हूँ उसका डेमो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, वो वीडियो देख के नॉलेज एक्वायर कीजिए, फिर काम कीजिए। कोई भी एक मेंटर चूज़ कीजिए, सीखिए और सीखने के बाद काम कीजिए।